ट्रिक टुडे टीवी, मैं हूं आपकी होस्ट गरिमा कोत्रू और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हाई वोल्टेज बैटल के बारे में जहां आमना सामना होगा दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का, क्रिकेट के दो ऐसे धुरंधरों का जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट बैटिंग और इंटेलिजेंट लीडरशिप स्किल्स से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया है। IPL 2020 के मैच नंबर 25 में MS धोनी के चेन्नई सुपर किंग्स टकराएंगे विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। किसने सोचा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, जो 3-time IPL चैंपियंस रह चुके हैं, वो इस सीजन में इतना खराब परफॉर्म करेंगे और वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जिन्होंने आज तक एक भी IPL नहीं जीता है, वो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करेंगे। खैर, इन सब बातों से एक बात तो साबित हो गई है कि IPL 2020 में इन दोनों टीम्स के लिए पासा पलट चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ये धमाकेदार मैच प्रीव्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। ऐसा लगता है कि IPL के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने मोमेंटम गेन किया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने ओपनिंग गेम में डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस को हराया था, पर उसके बाद उन्हें लगातार 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि किंग्स इलेवन पंजाब को 10 विकेट से हरा कर चेन्नई सुपर किंग्स ने फैंस के दिलों में थोड़ी सी उम्मीदें जगाई थी, पर अगले ही मैच में KKR के खिलाफ हार कर उन्होंने सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि चेन्नई जैसी टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर्स बैटिंग डिपार्टमेंट में फेल हो गए। कंसिस्टेंट परफॉर्मर फैफ डु प्लेसी और शेन वॉटसन को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स के बाकी सभी बैट्समैन का अब तक का प्रदर्शन काफी डिसअपॉइंटिंग रहा है। इट्स हाई टाइम कि चेन्नई की टीम अब केदार जाधव को बाहर का रास्ता दिखाए और करण शर्मा और शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर्स को बैक करे जिन्होंने KKR के खिलाफ काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। वहीं देखा जाए तो टीम के बाकी प्लेयर्स को भी इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए चेन्नई सुपर किंग्स से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। IPL 2020 में RCB का अब तक का सफर मिक्स्ड बैगेज टाइप रहा है। कोहली एंड कंपनी अभी तक 3 मैचेस जीती है तो 2 मैचेस हारी भी है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि RCB प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने मिली है। ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए हैं और उन्होंने आगे बढ़कर टीम की सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है। यंग बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल तो RCB के लिए किसी हीरो से कम नहीं है और एरन फिंच के साथ उनकी एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप किंग्स को परेशानी में डाल सकती है। और विराट कोहली और AB डिविलियर्स को तो आप जानते ही हैं, RCB की ये डायनामिक जोड़ी हो साथ तो डरने की नहीं है कोई बात। और जहां तक बॉलिंग यूनिट का सवाल है तो अपने युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज तो टीम में है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दुबई की ये पिच बैट्समैन को तो सपोर्ट करती है ही और साथ ही स्पिनर्स के लिए भी काफी कारगर साबित हुई है। इस ग्राउंड पर अगर कोई भी टीम 180 से ऊपर का स्कोर बना लेती है तो वो एक पार स्कोर माना जाता है और दूसरी टीम को ये स्कोर चेस करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। T20 मैचेस में इस ग्राउंड पर अब तक का हाईएस्ट स्कोर है 211 रन्स और वहीं लोएस्ट डिफेंडिंग स्कोर है 134 रन्स। चलिए अब बात करते हैं चेजिंग टीम्स के रिकॉर्ड के बारे में। T20 रिकॉर्ड्स के मुताबिक जिन टीम्स ने दुबई में पहले बैटिंग का फैसला किया उन्होंने ज्यादा मैचेस जीते हैं एज कम्पेयर टू द टीम जिन्होंने चेस किया है। चलिए अब बात करते हैं RCB वर्सेस CSK के वेदर कंडीशंस के बारे में। मैच के टाइम पर टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है और वहीं ह्यूमिडिटी लेवल 45% के साथ हाई रहेगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं स्टार प्लेयर्स के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स के एक्सप्लोसिव बैट्समैन फैफ डु प्लेसी ने
10 मैचेस खेले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ और बनाए हैं 477 रन्स एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ 59.62 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150.94। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स ने भी 10 मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और बनाए हैं 290 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 41.42 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 164.77। चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बॉलर दीपक चाहर ने 10 मैचेस खेले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ और चटकाई हैं 11 विकेट्स एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 8। और वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के युजवेंद्र चहल भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी 10 मैचेस खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ और चटकाई हैं 13 विकेट एट एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.80। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दोनों टीम्स के बीच आईपीएल में टोटल 25 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स 16 बार तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ 8 बार जीती है और एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला। चलिए अब डिस्कस करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रोबेबल 11 के बारे में। आरसीबी का बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग है, उनके पास हैं एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, क्रिस मॉरिस और मोइन अली जैसे 4 सुपरस्टार ऑलराउंडर्स। वहीं बॉलिंग यूनिट में आरसीबी के पास हैं नवदीप सैनी, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब चेन्नई सुपर किंग्स के प्रोबेबल 11 के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी धुरंधर बैट्समैन की कोई कमी नहीं है, उनके पास हैं अंबती राइडू, शेन वॉटसन, फैब डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी और ड्वेन ब्रावो और रविंद्र जडेजा जैसे 2 सुपरस्टार ऑलराउंडर्स। वहीं अगर बात की जाए बॉलिंग डिपार्टमेंट की तो सीएसके के पास हैं जॉश हेजलवुड, करण शर्मा, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर। दोस्तों ड्रीम 11 टीम बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमने एक बेस्ट पॉसिबल कंबाइंड 11 टीम तैयार की है और इस फैंटेसी ड्रीम 11 टीम के लिए हमने विराट कोहली को कैप्टन चुना है। जहां एक तरफ देवदत्त पडिक्कल, फैब डुप्लेसी, एबी डिविलियर्स, अंबती राइडू बैटिंग डिपार्टमेंट में विराट कोहली का साथ देंगे, वहीं दूसरी तरफ क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर और ड्वेन ब्रावो टीम में 3 ऑलराउंडर्स होंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज कमान संभालेंगे। चलिए अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इस ड्रीम 11 टीम के पीछे छुपे रीजंस के बारे में। ये फैंटेसी ड्रीम 11 टीम एक अच्छा मिक्सचर है ग्रेट बैट्समैन और विकेट टेकिंग बॉलर्स का। जहां एक तरफ विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स ड्वेन ब्रावो और क्रिस मॉरिस अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही टीम को मैच जिता सकते हैं। युजवेंद्र चहल और शार्दुल ठाकुर की प्रेजेंस में बॉलिंग यूनिट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। चलिए फाइनली अब वक्त हो चला है मैच प्रिडिक्शन का। आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अभी तक का प्रदर्शन चेन्नई की टीम से काफी ज्यादा बेहतर है और इसीलिए इस आने वाली बैटल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। इस मैच की लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स हैं ये। तो ये था आज का हमारा मैच प्रीव्यू। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे और हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं। गुड बाय।